तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों पंचायत चुनाव 2020 में होने वाले हैं, ऐसे में तारीखों का ऐलान पहले हो चुका है, लेकिन बड़ी खबर की तारीखों में अब बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिला है। आखिर कब होंगे पंचायत चुनाव, तो इसके लिए क्या यहां पर तारीखों का ऐलान हुआ है। तो पंचायत चुनाव 2020 के लिए ये बड़ी खबर है कि चुनावों का जो ऐलान हुआ था, अब उन तारीखों में यहां पर बदलाव किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है। भोपाल से पंचायत चुनाव 2020 के लिए तारीखों का ऐलान हुआ था, लेकिन जिसमें 20, 22 और 24 जनवरी को पंचायत चुनावों का ऐलान यहाँ पर किया गया था, लेकिन अब जो जानकारी यहाँ पर मिली है उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि पंचायत चुनाव 2020 की जो समय सारणी है उसमें बदलाव किया गया है। ये नोटिफिकेशन जो है वो 11/11/2019 को ये जारी किया गया है। इसके अनुसार आप देख सकते हैं कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश से ये जानकारी यहाँ पर जारी की गई है, और यहाँ पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त मध्य प्रदेश के लिए जानकारी यहाँ पर जारी की गई है। विषय है फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020 कार्यक्रम के संबंध में जानकारी है, और भारत निर्वाचन आयोग पत्र क्रमांक लिखा है जो की 11/11/2019 को यह जारी किया गया। उपरोक्त विषय अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020 के कार्यक्रम की तिथियों में परिवर्तन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार दिनांक 1/1/2020 की अहता तिथि के दृष्टिगत रखते हुए नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020 का संशोधन कार्यक्रम इस प्रकार होगा। पहला जो है निरीक्षण एवं गतिविधियों में इलेक्ट्रिक वेरिफिकेशन प्रोग्रामर जो EVP है, पुनरीक्षण एवं गतिविधियों का मतदान केंद्रों को यहाँ पर युक्तिकरण का कार्य जो है वो 30/11/2019 शनिवार तक, और यहाँ पर नंबर दो की एग्जाई प्रारूप निर्वाचक नावली का प्रारूप प्रकाशन जो है वो है 16/12/2019 सोमवार को, और दावे आपत्ति दर्ज करने की अंतिम जो है 16/12/2019 सोमवार से, और यहाँ पर 15/1/2020 बुधवार तक इसके लिए रहेगी। दावे आपत्तियों का निराकरण जो है 27/1/2020 सोमवार को यहाँ पर पूर्ण किया जाएगा। पूरक सूची की तैयारी यहाँ पर 4/2/2020 यानी मंगलवार को, और यहाँ पर निर्वाचक नामावली की अंतिम प्रकाशन जो है वो 7/2020 में होगा। मतलब जो यहाँ पर तारीखों का ऐलान हुआ था, जनवरी फरवरी पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन अब तारीखों में बड़ा बदलाव हुआ है। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 7/2/2020 को होगा, मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले हैं, उसके लिए तारीखों का ऐलान फरवरी में होगा। लेकिन कुछ नियम है, आपको जिस ग्राम पंचायत से प्रधानी सरपंच चुनाव लड़ना है उस गांव के मतदाता सूची में आपका नाम होना अनिवार्य है, नहीं तो आपको चुनाव में उम्मीदवारी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर BDC के लिए कोई भी व्यक्ति विकासखंड को किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी ग्राम पंचायत या मूल निवासी हो, किंतु जिस BDC क्षेत्र से चुनाव लड़ना है उस क्षेत्र का एक प्रस्तावक का नाम संबंधित BDC क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। इसके अनुसार जिला पंचायत सदस्य के लिए कोई भी व्यक्ति जिले की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है, किंतु इसके लिए भी प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है। सभी प्रत्याशियों को शपथ पत्र भरना होता है, जिसमें संपत्ति का विवरण, न्यायालय में होने वाले वाद या मुकदमे का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होता है। यही न्यायालय या उम्मीदवार के खिलाफ कोई मुकदमा होता है तो उसका विवरण शपथ पत्र में देना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही और कई नियम भी हैं, जैसे कि यहाँ पर पंचायती चुनाव जो लड़ता है उसके लिए योग्यता यहाँ पर 10वीं पास यहाँ पर मांगी जा सकती है। इसके अनुसार उसके कम से कम 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। ये कई तरह के और भी नियम हैं जो आने वाले समय में आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या सरपंच बनने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ कम पढ़े लिखे जो है सरपंच होते हैं और वो अपने गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे पंचायत चुनाव के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।